इस बार एक नहीं बल्कि दो दो डिज्नीलैंड मेला तैयारी जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी ओपन भी होगा। रायगढ़ में लगने वाला जो डिज्नीलैंड मेला यह नया जगह है। नमस्कार साथियों, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको लेके आ गया हूँ रायगढ़ का मौधापारा। यह साथियों जैसे ही अगस्त और सितंबर का माह आता है रायगढ़ में भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला का आयोजन होता है और इस मेला के आयोजन के अवसर पर यहाँ पे झूला उत्सव डिज्नीलैंड मेला यहाँ पे स्थापित होती है। ये साथियों पिछले साल भी यहीं पर मतलब मौधापारा में डिज्नीलैंड मेला जो है यहाँ पे स्थापित हुई थी और लोग काफ़ी इन्जॉय किए थे। उसी तारतम्य में इस वर्ष भी यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024 के अवसर पर डिज्नीलैंड मेला, चूँकि अभी तैयारियाँ चल रही हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बांस वगैरह लगाया गया है और आप इस बात से अवगत होंगे कि जो झूला उत्सव है डिज्नीलैंड मेला है उसकी शुरुआत जो है लगभग रक्षाबंधन के समय ओपनिंग होता है। पर अब देखते हैं ये कब स्टार्ट होगा। फिलहाल अभी तैयारियां चल रही हैं, झूले वगैरह अभी लगने स्टार्ट नहीं हुए हैं लेकिन यहां पे इशारा पूरी तरह से मिल गया है यहां पे लगने वाला है। और एक ख़ास बात यह है कि इस बार एक नहीं बल्कि दो दो डिज्नीलैंड मेला यहाँ पे लगने वाला है। एक यहाँ पर मौधापारा जो कि मैं अभी हूँ और दूसरा जो है इधर से हम चलेंगे ट्रांसपोर्ट नगर की ओर नया सारंगढ़ बस स्टैंड के पास जो है डिज्नीलैंड मेला का आयोजन होने वाला है। तो इस वक्त मैं हूँ अभी मौधापारा के पास जहाँ पे डिज्नीलैंड मेला जो है तैयार किया जा रहा है। इसके पश्चात हम लोग चलेंगे सारंगढ़ बस स्टैंड, नया सारंगढ़ बस स्टैंड जिसे ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर भी डिज्नीलैंड मेला जो है स्थापित की जा रही है। चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ के व्यू को देखते हैं। फिलहाल अभी यहाँ के लोकेशन को मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कुछ तैयारियाँ चल रही है देख सकते हैं। और ये मेन रोड है जो कि मेला के समय काफ़ी भीड़ रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं आगे की ओर जिधर मैं जो व्यू दिखा रहा हूँ उधर भी एक और डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ था। पिछले साल दो डिज्नीलैंड मेला यहाँ पे लगा हुआ था, एक इधर और एक इधर यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर इस बार यहाँ पर एक ही डिज्नीलैंड मेला लगेगा, साथ ही साथ इसके बाद हम चलते हैं आपको सीधा लेके सारंगढ़ बस स्टैंड यानी कि ट्रांसपोर्ट नगर। तो साथियों अब मैं पहुंच गया हूं ट्रांसपोर्ट नगर में लगने वाला डिज्नीलैंड मेला को आपको दिखाने के लिए। तो साथियों यह स्थान जो है देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है, यहां पर काफ़ी बहुत बड़ा मेला लगने वाला है और यह स्थान है ट्रांसपोर्ट नगर। और देख सकते हैं यहां पे झूला वगैरह लगना भी स्टार्ट हो गया है, ये हो सकता है ये आकाश झूला है और उधर मौत का कुआं दिखाई दे रहा है, ट्रेन है बच्चों के लिए और भी बहुत सारे झूले हैं। इधर आपका मेन गेट यहाँ पर लगने वाला है जिस तरह से आप देख रहे हैं, इधर इस लोहे का स्ट्रक्चर बना हुआ है और चूंकि अभी ये शुरुआत है तैयारियां चल रही है ना। तो इस बार जैसा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है 26 अगस्त को है और रक्षाबंधन 19 अगस्त को है। तो जैसा कि आपको मैं पहले ही बताया था कि जिस तरह से जो रक्षाबंधन आती है उस समय इनका ओपनिंग होता है। अब देखिए तैयारी के हिसाब से भी हो सकता है, तैयारी जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी ओपन भी होगा। तो काफ़ी एंजॉय और मज़ा आने वाला है इस बार का भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मेला। आपको यह ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चूँकि ये रायगढ़ रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर समथिंग 3 किलोमीटर और आपका मौधापारा जस्ट रेलवे स्टेशन के नज़दीक में है, रायगढ़ में लगने वाला जो डिज्नीलैंड मेला यह नया जगह है, आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।